अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूँढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह पसंद करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम हरे मसाले के पाए बनाएंगे। उसके लिए हम एक प्रेशर कुकर में पाए डाल देंगे। ये 6 पाए यूज़ किए हमने। पाए को हमने अच्छी तरह से धो लिया। पाए को किस तरह सही तरीके से धोया जाता है इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है। एक दूसरे पाए के सालन की रेसिपी में हमने बताया है पाए को किस तरह साफ किया जाता है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऊपर आई बटन पर भी। 6 पाए यूज़ किए हमने। 1 लीटर पानी डाल देंगे। 10 से 12 काली मिर्चें, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज डालेंगे। हमने यहाँ पर बड़ी साइज़ के 3 प्याज यूज़ किए हैं और इसे इस तरह से स्लाइस कर लिया है। सारी चीज़ों को हमने एक बार अच्छी तरह से मिक्स किया। हम प्रेशर कुकर का लिड बंद करेंगे, फ्लेम को हाई करके पहले 1 विसल तक पकाएंगे, बाद में लो करके 20 से 25 मिनट पकाएंगे। आपके प्रेशर कुकर पर और गैस की फ्लेम पर भी डिपेंड होते हैं पाए के गलने के टाइमिंग्स और किस तरह के पाए आपने लिए हैं। अगर ज़्यादा बड़े हैं तो इन्हें पकने में टाइम लगेगा, और अगर आपके पाए छोटे हैं तो फटाफट गल जाएंगे, तो वो हिसाब से टाइमिंग्स को एडजस्ट करें। हम 20 से 25 मिनट पकाने वाले हैं। पाए को तो हमने गलने के लिए रख दिया है। हम एक बोल में कुछ मसाले तैयार करेंगे। 1/4 कप पुदीना, 1 कप भरकर हरा धनिया जिसके साथ हमने डंडियाँ भी ली हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें, आप जितना तीखा खाते हैं वो हिसाब से लें। हमें इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। मसाले में थोड़ा पानी डालकर हमने ग्राइंड कर लिया है। दही मिलाएंगे, इसमें हम 1/2 कप दही मिलाएंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जो हमारा होममेड है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और ऊपर आई बटन पर भी। 1 विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिलाकर इसे तैयार रखेंगे। हमने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है, जिसमें हम 2 पीस दालचीनी, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 4 लौंग मिला देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें 1 प्याज डालेंगे। मीडियम साइज़ का प्याज है ये, इसे हमने बिल्कुल फाइन चॉप किया है। प्याज को बस 1 से 2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे और नरम करेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। प्याज जो है वो नरम हो चुकी है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून हमने पाए में डाला था जब हमने इसका सूप तैयार किया था। थोड़ा नमक 1 टीस्पून के आसपास, हमने 1 टीस्पून नमक पाए में भी डाला था, अभी इसमें भी डाला है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 1/2 से 1 मिनट चलाते हुए पकाया। फिर इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर डाल दिया हमने। फ्लेम को लो रखना है वरना धनिया पाउडर जल सकता है। इसे अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से हमने भूना। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे। जब तक हमारा मसाला भुनाता है पाए को भी चेक करते हैं। प्रेशर कुकर का लिड हमने खोल दिया है। कम से कम हमने 25 मिनट तक अच्छी तरह पाए को पकाया था। पाए गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर चेक करें, अगर ये नहीं गले हैं और आपको ये कड़क लगते हैं तो दोबारा से प्रेशर कुकर का लिड बंद करके इन्हें पकने दें। पाए के पीसेस को और प्याज को निकाल कर हम ग्रेवी में मिलाएंगे। इसके साथ जो प्याज है इसे भी हमें डाल देना है, मिला देना है। प्याज और पाए इसमें हमने डाल दिए, फ्लेम को भी हाई कर दिया। अच्छी तरह से भूनेंगे, 3 से 4 मिनट तक चलाते रहेंगे और हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो जो प्याज है वो पूरी तरह से गल जाएगी और मिक्स हो जाएगी बहुत अच्छी तरह। 4 से 5 मिनट तक हमने फ्लेम हाई करके सारी चीज़ों को भून लिया है, तेल भी अलग हो गया है। जो सूप है प्रेशर कुकर में उसे मिला देना है। ये पॉइंट पर आपको ग्रेवी को एडजस्ट करना है जैसा आपके घर में खाते हैं। वैसे पाए का जो पतला शोरबा है वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। हमने बिल्कुल भी और पानी ऐड नहीं किया है।
बस वही स्टॉक जो 1 लीटर पानी डालकर हमने तैयार किया था वो काफ़ी है। इस तरह इसमें उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और जो दही का मिक्सचर हमने तैयार किए हैं जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये सारी चीज़ें हमने डाली थी, इसे हम डाल देंगे धीरे से और फिर इस तरह थोड़ा चलाएंगे हाथों से, क्योंकि इसमें दही है इसीलिए इसे इस तरह चलाते रहें फ्लेम को लो करके। ख़ास करके ये टिप हम बिगनर्स के लिए देते हैं क्योंकि ऐसा नहीं करने से चांसेस है दही फट जाए और हमारी ग्रेवी ख़राब हो जाए, इसीलिए इस तरह इसे चलाएं, तब तक चलाएं जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। इसमें उबाल आ गया है, फ्लेम को हम लो रहने देंगे और 8 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। 10 मिनट तक हमने पकने दिया, माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तेल ऊपर आ गया है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। ये पॉइंट पर अगर आप इससे ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा पानी को इसमें गर्म करके मिला दें, जितनी ग्रेवी चाहते हैं उतना ऐड करें, हमें ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। हम फ्लेम को बंद करेंगे, इसे 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, बाद में सर्व करते हैं।